बहुत बहुत स्वागत है आपका इस संडे के इस स्पेशल एपिसोड में। संडे के इस स्पेशल एपिसोड में आपने जो मुझे सवाल पूछे होते हैं मेरे पिछले वीडियोस के नीचे कमेंट में, तो उसी के ऊपर जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आज हम इसी के बारे में जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे जो कॉमेंट है मुझे मेरे पिछले वीडियोस के ऊपर जो है वो आप सभी ने जो है वो पूछे हैं, तो आज हम इस वीडियो में इसके बारे में जो है वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और आप जिस चैनल को अभी देख रहे हैं वो है संजीवनी टेक। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का जो बटन है उसे प्रेस करके आप इसे जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले वीडियोज है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ये जो आपके सवाल है तो इसी के ऊपर जो है वो यहाँ पे हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल पूछा है, आमचा पगार समजा 7,000 रुपये आहे तर पेन्शन किती होणार? तो ये जो सवाल पूछा है वो पूछा है मिस्टर अरुण ने। तो इनकी जो सैलरी है वो 7,000 रुपये है और इसके बेसिस पे इनकी पेंशन कितनी होगी ये इनको जानना है। तो आपकी पेंशन का कैलकुलेशन जो है वो सिर्फ इतना बता के नहीं हो सकता कि आपकी लास्ट सैलरी जो है वो 7,000 है या फिर आपकी सैलरी 7,000 रुपये है। तो इसके लिए और भी डाटा चाहिए रहता है, तो आप जो है वो मेरा ये वीडियो जो है वो आप रेफर कर सकते हैं कि जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि आपको जो है वो आपकी पेंशन किस तरह से कैलकुलेट करना है, इसके लिए डाटा क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, कौन सा फॉर्मूला जो है वो हम इसके ऊपर जो है वो पेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है वो आप ये वीडियो रेफर कीजिए और उसके बाद आपका जो पेंशन है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और साथ में ये जो ऊपर में आई बटन आते हैं यहाँ पे, तो वहां पे भी आपको ये जो वीडियो है वो मिल जाएगा। तो चलिए अभी अगला जो सवाल है वो पूछता है कि यहाँ पे ये राजदास जी का सवाल है, तो ये पूछ रहे हैं कि सर पर्सनल डिटेल में आधार कार्ड के मुताबिक होगा क्या ना यूएन प्रोफाइल के मुताबिक होगा, सर प्लीज बताइए। तो यहाँ पे एक्चुअली इनका जो डिटेल है वो कहाँ पे इनको चाहिए वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इनका जो सवाल है वो प्रॉपरली मुझे क्लियर नहीं हुआ है। तो इसके लिए मैंने इनको रिप्लाई भी किया है कि आपका जो सवाल है वो मुझे क्लियर नहीं हुआ है, तो इनका रिप्लाई अभी आया नहीं है। इनका जो सवाल है वो क्या है प्रॉपरली मुझे समझने के बाद ही मैं रिप्लाई इस पर दे सकता हूँ। तो यहाँ पे ये जो पूछ रहे हैं मिस्टर योगेश सक्सेना, तो व्हाट अबाउट EPS 95? तो EPS 95 के पेंशन धारकों को अपना जीवन प्रमाण जो है किस तरह से अपलोड करना है, तो इसके बारे में ये पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें जो पेंशनर्स है तो उसमें एक नोटिस आया था कि आपको जो है वो अपना जीवन प्रमाण अपडेट करने के लिए जो सर्विस और चालू की गई है तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया था। तो EPFO के जो सब्सक्राइबर है उनको उनका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए एक तो EPFO ऑफिस जाना पड़ता है, नहीं तो जो बैंक होती है वहां पर भी जो है वो आप आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो सबमिट करवा सकते हैं, या फिर जो उमंग का ऐप है उस पर हम हमारा जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो डिजिटली सबमिट कर सकते हैं। तो उमंग के ऐप पर ये जो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने का ऑप्शन है तो वहां पे अवेलेबल है, वहां पर आप जो है वो ये लाइफ सर्टिफिकेट EPFO के सब्सक्राइबर जो है वो पेंशन पाने के लिए सबमिट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक बायोमेट्रिक डिवाइस की जरूरत होती है, तो बायोमेट्रिक डिवाइस हमें परचेस करना पड़ता है, फिर हमारे मोबाइल पे ये जो उमंग ऐप है उसे इंस्टॉल करके हम हमारा जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो वहां पे अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए अभी अगला जो सवाल है वो मिस्टर प्रकाश कुमार ने यहाँ पर पूछा है, तो ये पूछ रहे हैं कि मेरा पुराना PF नंबर है लेकिन उसका UN नहीं है, मैं बिना UN एक्टिव करके ओनली PF नंबर में कैसे मेरा बैलेंस जान सकता हूँ? तो यहाँ पे एक्चुअली UN के साथ जो है आपका मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए, UN एक्टिवेट होना चाहिए, तब आपके ऑनलाइन जो है वो आपका PF का जो बैलेंस है वो आप चेक कर सकते हैं। सिर्फ अगर आपके पास PF का अकाउंट नंबर है तो आपको जो है वो आपके PF ऑफिस से ही पता चल सकता है कि आपका जो बैलेंस है वो कितना है। अगर मान लीजिए आप कहीं और जॉब करते हैं और कहीं और जॉब करने के बाद आपका जो नया PF का अकाउंट है वो आपके नए UN के साथ लिंक है, तो आप जो है आपका पुराना PF अकाउंट उसमें ट्रांसफर करके जो है आपका बैलेंस जो है वो चेक कर सकते हैं। अगर आप नहीं जॉब करते कहीं पे भी तो आपको जो है वो आपका PF ऑफिस जो है वो उनसे ही कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो ही अभी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिस्टर मोहन KS ने बताया कि इंस्टेड ऑफ हिंदी न्यूज अबाउट EPF इन इंग्लिश विल बी वेरी मच अप्रिसिएटेड बाय व्यूअर्स कुड बी मेड इट। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हिंदी के अलावा अगर इंग्लिश में ये जो न्यूज है वो होती है तो यहाँ पे व्यूवर जो है वो ज्यादा अप्रिसिएट करेंगे। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि जो हिंदी में मैं न्यूज बताता हूँ वो इंग्लिश में भी उसका वर्जन आपके लिए लेकर आऊँ ताकि जो व्यूवर्स है उनकी कन्वीनियंस जो है वो यहाँ पे बन सके। तो
मैं इसके ऊपर जरूर काम करूंगा। थैंक यू सो मच सर, आपने आपकी जो थ्योरी है वो यहाँ पे रेस की है, मैं इसके ऊपर जरूर सोचूंगा ताकि आपको जो है वो मोर क्लियरिटी जो न्यूज है उसके ऊपर मिल सके। तो यहाँ पे ये जो अगला सवाल है वो मैं यहाँ पे लेता हूँ, तो ये है, हेलो, आई एम फॉलोइंग द अबव वीडियो एंड आई हैव गॉट माई नेम करेक्टेड इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बट वेन आई ट्राई टू अपडेट पैन कार्ड इट सेज एरर व्हाइल पैन ऑथेंटिकेशन कुड नॉट सेंड मैसेज। तो यहाँ पे अगर ऐसा एरर आ रहा है तो आपका जो एरर है वो आपके नेट कनेक्टिविटी के वजह से आ रहा है। आपने बताया कि आपका जो नाम है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में करेक्ट हो गया है, तो आपको जो है वो थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा एरर अगर साइट में कोई प्रॉब्लम है तो ही आता है। तो आप जो है वो फिर से एक बार ट्राई कीजिए ताकि आपका जो यूएन में पैन कार्ड है वो लिंक हो सके। अभी आपका जो एरर है शायद वो निकल गया है पहला, जैसे कि नेम अगेंस्ट यूएन डज नॉट मैच विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे वो जो एरर आता था तो वो निकल गया है शायद, क्योंकि ये दूसरा एरर है। और ऐसा एरर मोस्टली साइट में अगर कोई प्रॉब्लम है, नेट कनेक्टिविटी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो ही आता है, नहीं तो नहीं आता, क्योंकि ये सेंड मैसेज वाला प्रॉब्लम पूरा तरह से जो है वो साइट का प्रॉब्लम का ही होता है। तो यहाँ पे अगला सवाल ये है मिस्टर नवनीत सुट्टा का, तो ये पूछ रहे सर, पीपीओ नंबर डज नॉट शो इवन आफ्टर एंटरिंग करेक्ट अकाउंट नंबर, व्हाट टू डू। तो अगर आपका जो पेंशन है वो प्रॉपरली आपके बैंक अकाउंट में जो है वो क्रेडिट हो रहा है, तो उस पेंशन अकाउंट के साथ जो है वो आपका जो बैंक नंबर है वो लिंक रहता है। तो अगर आपका जो अकाउंट है वो आप एंटर कर रहे हैं, तो अभी मैं आपको यहाँ पे जो पेंशनर्स की जो पोर्टल होती है वहां पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे जो है वो आपको ऑप्शन मिल जाता है नो योर पीपीओ नंबर, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन जो मिलता है वो होता है मेंबर आईडी का, और दूसरा ऑप्शन जो होता है वो आपके बैंक अकाउंट का। तो यहाँ पे मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि ये जो मैंने एक बैंक अकाउंट जो है वो यहाँ पे एंटर किया है, उसके बाद यहाँ पे हम अगर सबमिट करते हैं तो हम हमारा जो पेंशन का पीपीओ नंबर होता है वो यहाँ पे डिटेल में जान सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर जो बैंक अकाउंट मैंने एंटर किया था उसके बेसिस पे पीपीओ नंबर जो है वो यहाँ पे शो हो गया है, उसके बाद मेंबर आईडी आ जाता है, उसके बाद पेंशनर्स का जो नाम होता है वो आ जाता है, और ये जो पेंशन का टाइप है वो भी यहाँ पे आ जाता है। तो डेफिनेटली ये जो आप जब ट्राई कर रहे हैं तब आपके साइट में जो है वो इश्यू हो सकता है, या फिर अगर आपने जो अकाउंट नंबर है वो कुछ गलत एंटर किया होगा, एक दो नंबर जो है वो इधर इधर हो गया होगा, टाइपिंग करते हो सकता है कि एक दो नंबर इधर उधर हो जाता है, तो एक बार जो है आप फिर से ट्राई करें, क्योंकि करेक्ट अकाउंट नंबर अगर हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो हमारा जो पीपीएफ से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे पूरा शो हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो पूछ रहे सागर सिंह, तो ये पूछ रहे कि सर आपका नंबर, तो यहाँ पे मैं नंबर तो नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैं नंबर दूंगा तो बहुत सारे अननेसेसरी कॉल भी जो है वो आते रहते हैं। आप अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे मेरा कांटेक्ट करने के लिए एक लिंक दे के रखा है, वहां पे जो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो फॉर्म फिल करके डायरेक्टली आप मेरे जो ईमेल है वहां पे आपकी क्यूरी भेज सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, यहाँ पे मैंने बताया कॉन्टेक्ट मी, उसके बाद मैंने लिंक दे के रखा है, तो वो लिंक आप रेफर करके आप मुझे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, और आपकी जो क्यूरी है वो भी आप मुझे भेज सकते हैं, मैं ईमेल पे वो जो है वो आपके रिप्लाई आ जाएगा फिर। तो यहाँ पे अगला जो सवाल है वो है कुलदीप का, मिस्टर कुलदीप पूछ रहे हैं कि सर मेरे पास यूएन नंबर है पर वो एक्टिव नहीं है और ना ही पीएफ नंबर है, प्लीज हेल्प मी। तो अगर इनके पास इनका जो यूएन है वो है तो उसे जो है वो आप एक्टिव कर लीजिए, उसके बाद जो है वो आपका लॉगिन हो जाएगा, और आपका जो पीएफ नंबर है वो भी आपके पास वहां पे लॉगिन करने के बाद वहां पे शो हो जाएगा। तो आप जो है आपके यूएन में जो है वो लॉगिन करके जो है वो आपकी डिटेल जो है वो जान सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक कमेंट किया है प्रवीण सेवकर ने, थैंक यू सो मच, यू सेव्ड माय डे ब्रो, थैंक यू। तो ये आपने जो है आपकी जो क्यूरी है वो वीडियो को रेफर करके सॉल्व की होगी, तो इसके ऊपर आपका जो टाइम बचा है तो इसके ऊपर इन्होंने जो है यहाँ पे कमेंट किया है। तो यहाँ पे ये जो पूछ रहे हैं मुरलीधर की रजिस्ट्रेशन कैसे करें, तो यहाँ पे इन्होंने कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है ये डिटेल में नहीं लिखा है, यूएन के पोर्टल पे करना है या फिर एम्प्लॉयर का जो पोर्टल होता है वहां पे करना है, तो इसके बारे में इन्होंने डिटेल में नहीं बताया है। तो यहाँ पे इनको जो है वो चलिए अभी रिप्लाई भी कर देते हैं, प्रॉपरली क्लियर नहीं हुआ, प्रॉपरली क्लियर नहीं हुआ, और इसको हम रिप्लाई में डाल देते हैं। तो इनका अगर कोई रिप्लाई आएगा तो इसके ऊपर मैं उनको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। तो चलिए अभी ये जो अगला सवाल है वो है मिस्टर राजर कुमार का, तो ये पूछ रहे हैं कि मेरा अकाउंट नंबर भूल गया है मुझे कैसे पता चलेगा।
तो अगर इनका बैंक अकाउंट नंबर ये अगर भूल गए तो आपको जो आपके पर्टिकुलर बैंक से जो है वो इसके बारे में इंक्वायरी करनी पड़ेगी। आपका जो बैंक है वहां पे आपको जाना पड़ेगा, आपका जो पैन कार्ड या फिर अगर आपने कोई दूसरा डॉक्यूमेंट भी दिया होगा तो उसके बेसिस पे जो है वो बैंक अकाउंट जो है वो आपको बैंक वाले प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे अगला जो सवाल है वो मिस्टर संजय कुमार का है। तो ये पूछ रहे कि हेलो सर, मुझे पिछले 2012 से लेकर 2013 से ईएसआई के पेंशन मिलता है। कंपनी में काम करने के दौरान चोट लगी थी, एक आंख खराब हो गया। जितना पेंशन पहली बार आया था आज भी उतना ही मिल रहा है। तो सर मुझे इतना पेंशन जो है वो बढ़ के कैसे मिलेगा, इसका क्या नियम है, कृपया स्पष्ट करें। तो यहाँ पे मैंने इनको रिप्लाई भी कर दिया है कि इसके बारे में जो है वो चेक करके आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं आपको जरूर इसके बारे में रिप्लाई कर दूंगा कि जो ईएसआईसी की पेंशन है वो किस तरह से आप जो है वो बढ़ा सकते हैं या फिर नहीं बढ़ा सकते। जो मिल रही है उतनी ही रहेगी या फिर आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो अगला कमेंट है मिस्टर आशीष का, तो ये पूछ रहे कि मैंने आपने बताया वैसा सब कुछ किया, बाद में एक मेल भी आया, फिर मैंने ट्राई किया लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा है, एरर आ रहा है, अब मैं क्या करूं। तो एक्चुअली इनका जो ईमेल में क्या रिप्लाई आया था इन्होंने यहाँ पे बताया नहीं है, और एरर क्या आ रहा है, कौन सी चीज में एरर आ रहा है, पैन लिंकिंग में एरर कौन सा आ रहा है, तो ये इन्होंने डिटेल में पता नहीं है। मैंने इनको रिप्लाई भी किया है कि मेल में क्या रिप्लाई आया था, तो इन्होंने कुछ इसके ऊपर रिप्लाई नहीं दिया है। इसके ऊपर मैं जो है वो ज्यादा कुछ बात नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता के रखा है कि आपको जो है किस तरह से आपका जो पैन कार्ड है उसमें करेक्शन करवाना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में करेक्शन करवाना है, उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो भी बना के रखा है। आप मेरे वीडियो का जो सेक्शन है वहाँ पे जाकर ये जो वीडियो है वो देख सकते हैं। उनका अगर रिप्लाई आता है तो मैं उनको डेफिनेटली गाइड बाद में कर दूंगा। तो यहाँ पे अमित कुमार का सवाल है, तो ये पूछ रहे कि ईपीएफओ मेरा पैन कार्ड आधार कार्ड बैंक अकाउंट डिटेल मैच नहीं हो रहा है, तो ऑनलाइन पीएफ कैसे विड्रॉल करें। तो एक्चुअली ऑनलाइन पीएफ विड्रॉल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका आधार कार्ड और बैंक डिटेल आपके यूएन के साथ जो है वो लिंक होना चाहिए। अगर आपका 5 साल से अकाउंट कम है, मतलब 5 साल से जो पीएफ का अकाउंट है वो कम है, तो आपको पैन कार्ड भी लिंक करवाना पड़ता है, नहीं तो जो है वो आपका टीडीएस डिडक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे अगला जो सवाल है वो ग्रेच्युटी के ऊपर एक न्यूज आई है कि जिसकी अवधि जो है वो अभी 5 साल है, तो सरकार उसके ऊपर जो है वो सोच रही है कि वो 5 साल से घटाकर जो है वो 3 साल कर दी जाए। तो इसके ऊपर इन्होंने पूछा है कि ग्रेजुएटी किन किन कंपनी पे लागू होता है, इसका कोई एक्ट है क्या, नियोक्ता की मर्जी पर है कि ग्रेजुएटी देना या नहीं देना। किसी कर्मचारी का 5 साल से ज्यादा सर्विस है तो हम इसकी मांग कैसे कर सकते हैं, क्या अगर एम्प्लॉयर नहीं मांग रहा है तो उसके लिए कोई कानूनी प्रोविजन है। तो इसके लिए जो है वो बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, ये जो ग्रेजुएटी एक्ट 1970 के तहत कौन कौन सी कंपनी जो है वो यहाँ पर ग्रेजुएटी देने के लिए एलिजिबल होती है, हम इसके लिए कैसे मांग कर सकते हैं, तो डिटेल में बताया गया है, ये इस वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए मैं जो है वो एक अलग से प्रॉपर बड़ा वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से जो है वो ग्रेजुएटी हमें जो है वो 1970 जो एक्ट है उसके तहत मिल सकती है, कैसे एम्प्लॉयर से हम इसकी मांग कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि सर जी एडवांस में भी पैन कार्ड की जरूरत है क्या, तो यहाँ पे जो है मैंने इनको डिटेल रिप्लाई है वो कर दिया है, इनको जो है वो इनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इनको जो है वो अगर नहीं मिला है तो ये वीडियो जो है वो आप देखिए ताकि आपको जो आपका जो क्यूरी है उसके बारे में पता चल सके। तो इनको मैंने डिटेल में रिप्लाई कर दिया है कि किस केस में जो है वो आपको जो है वो पैन कार्ड आपका जो यूएन के साथ जो है वो वेरीफाई करवाना पड़ता है ताकि आपका जो यूएन है आपका जो विड्रॉल है उसके ऊपर टीडीएस ना लगे। तो ये जो अगला सवाल है वो है मिस्टर हरिदास का, तो ये पूछ रहे हैं कि हाउ टू चेंज फोन नंबर। तो यहाँ पे यूएन में जो है वो किस तरह से इनको फोन नंबर जो है वो चेंज करना है, तो इसके बारे में जो है मैं एक डिटेल वीडियो अभी 1-2 दिन में अपलोड कर देने वाला हूँ। तो आप जो है वो वीडियो देखकर जो है आपका कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो यूएन में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक कॉमेंट किया है, नोट किया लीना है, तो एक्चुअली क्या पूछ रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया प्रॉपरली। अगर यहाँ पे इनका कॉमेंट होता तो इसके ऊपर जो है हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते थे। तो यहाँ पे मिस्टर फेमस पीपल, तो ये शायद इनके चैनल का नाम है, तो ये पूछ रहे हैं कि जोधपुर फील्ड ऑफिस आ रहा है, मैंने मेल भी किया कांटेक्ट भी किया पर उसके बाद कोई शायद इनको रिप्लाई नहीं आया या फिर उनका जो पेंडिंग है वो अप्रूव नहीं हुआ है। तो अप्रूवल होने में जो है वो थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि ये जो अप्रूवल वाला पर्सन होता है फील्ड ऑफिस में वो आपकी रिक्वेस्ट कब रिव्यू करे उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो यहाँ पे अगला जो सवाल है, ओटीपी डालने के बाद एरर आ रहा है, तो यहाँ पे जो इनका हाउ टू ट्रांसफर पीएफ, तो ट्रांसफर की जो रिक्वेस्ट होती है उसे
हमें रेस करने के लिए लास्ट में जो ओटीपी एंटर करना पड़ता है, तो शायद ओटीपी डालने के बाद जो इनको प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये जो मोस्टली जो है वो साइट का इशू होता है। तो आप जो है वो कुछ देर के बाद या फिर 2-3 दिन के बाद जो है वो ट्राई करें ताकि आपका ये जो ट्रांसफर का रिक्वेस्ट है वो हो सके। तो यहाँ पे अगला जो कॉमेंट है वो है मुस्तकीम अली का। तो ये पूछ रहे कि मेरा 3 दिन हो गया अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है। तो 3 दिन पहले जो है उन्होंने कॉन्टेक्ट यहाँ पे किया है, तो मैंने इनको रिप्लाई भी किया है कि आप आपके एम्प्लॉयर से केवाईसी अप्रूव कराने के लिए बात करें। तो जैसे एम्प्लॉयर आपकी केवाईसी अप्रूव कर देता है, तो आपका जो पैन कार्ड है वो आप यहाँ से जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। यूएन में लॉग इन करने के बाद पैन कार्ड का जो टैब होता है, तो उसके राइट में वेरीफाई का बटन आ जाता है। तो वो वेरीफाई का बटन क्लिक करके जो है आपका पैन कार्ड जो है वो आपके यूएन में वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो पूछ रहे हैं मिस्टर राम, तो ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा पीएफ क्लेम सेटल हो गया है पर अकाउंट नंबर गलत हो गया, इसके लिए क्या करना होगा, प्लीज कॉन्टेक्ट सर जी। तो मैं सबसे कहना चाहूंगा कि आप जो आपकी डिटेल इंफॉर्मेशन होती है वो किसी भी कमेंट में जो है वो ना दे, क्योंकि आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है कोई दूसरा भी देख सकता है और उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। तो यहाँ पे इनके जो है वो मोबाइल नंबर दिया है, तो मोबाइल नंबर पे मैं एक इसको SMS डाल दूंगा। तो यहाँ पे मैंने इनको डिटेल कमेंट भी बताया है कि आपको पीएफ ऑफिस से कांटेक्ट करना पड़ेगा, अगर रीऑथराइजेशन का जो फॉर्म होता है वो भी फिल करना पड़ता है अगर पैसा अकाउंट में नहीं आया है। तो अगर दूसरे अकाउंट में चला गया है किसी दूसरे के, तो बहुत दिक्कत हो सकती है, आपका पैसा शायद वापस भी जो है वो नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे जो है वो मिस्टर वसंत शाह ने एक सवाल पूछा था, तो माई पेंशन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2018 टिल नॉट रिसीव्ड फ्रॉम ईपीएफ बोर्ड ऑफ गुजरात। इन्होंने इनका जो पीपीओ नंबर है वो पेंशन का तो यहाँ पे मेंशन किया था, तो इसके ऊपर जो है मैंने इनको जो है वो इनका पेंशन का जो स्टेटस है वो ऑनलाइन जो है वो यहाँ पे जो है वो चेक कर सकते हैं कि या नो योर पेंशन स्टेटस का जो ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है वो हम पेंशन का स्टेटस जो है वो जान सकते हैं। उसके ऊपर जो है हमें जो पीपीओ नंबर है वो एंटर करना पड़ता है, उसके बेसिस पे ही उन्होंने मुझे पीपीओ नंबर भेजा था। इसका जो है मैंने डिटेल जो कुछ डिजिट है वो हाइड करके रखे है, ये जो पूरा नंबर है वो आपको यहाँ पे शो नहीं करेगा। इनको मैंने रिप्लाई भी कर दिया था कि अक्टूबर 2018 तक आपकी जो पेंशन है वो यहाँ पे दिखा रही है कि क्रेडिट हुई है आपके बैंक में, और आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो दिसंबर 2018 तक वैलिड है। तो ये ऑनलाइन जो है वो आप यहाँ पे आपकी जो पेंशन का स्टेटस है वो जान सकते हैं। यही से मैंने आपको स्टेटस जो है वो लेकर आपको बताया था। अगर आपकी पेंशन आपको नहीं मिल रही है और यहाँ पे जो स्टेटस है वो ऐसा शो कर रहा है, तो आपको आपके पीएफ ऑफिस से ही कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगला जो सवाल है वो है मिस्टर दिनेश का। तो ये पूछ रहे मेरा केवाईसी मेरा पैन कार्ड अपडेट नहीं हो रहा है, प्लीज इसके लिए क्या बताएं। एक्चुअली केवाईसी में पैन कार्ड अपडेट करवाने के लिए मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना के रखा है कि आप जो आपके पैन कार्ड में करेक्शन है तो किस तरह से करेक्ट करके आपका जो पैन कार्ड है उसको आपके यूएन के साथ जो है वो लिंक करवा सकते हैं। तो उसके लिए आप जो है वो मेरे वो वीडियो रेफर कीजिए, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहां से जो है आप आपका जो पैन कार्ड है वो किस तरह से करेक्ट करना है उसे और आपके यूएन के साथ वेरीफाई करना है, तो वो देखकर आपका पैन कार्ड आप लिंक करवा सकते हैं। तो इन्होंने कहा है कि डेट ऑफ एग्जिट गलत डाल दिया है, उसके लिए क्या करना है। तो एक्चुअली डेट ऑफ एग्जिट अगर गलत डाल दिया है तो उसे करेक्ट करवाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये जो पूरा अथॉरिटी है वो आपके एम्प्लॉयर के पास ही होता है। तो आप जो एम्प्लॉयर से बात कीजिए क्या वो उसे करेक्ट करवा सकता है। इसके लिए मैं तो आपकी ज्यादा कुछ हेल्प नहीं करवा सकता, सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि जो आपका एम्प्लॉयर है जिन्होंने आपकी एग्जिट डेट वहां पे एंटर की है तो उनसे आप कांटेक्ट करें। तो यहाँ पे मिस्टर दिनेश पूछ रहे हैं कि हम अपना भी पीएफ ऑनलाइन निकालना चाहता हूँ बट मेरा एग्जिट डेट शो नहीं कर रहा है, उसका क्या उपाय है। एक्चुअली एग्जिट डेट जो है वो केवल आपका एम्प्लॉयर ही मार्क कर सकता है, जो आपका एम्प्लॉयर है उनसे आप बात कीजिए ताकि आपकी एग्जिट डेट जो है वो मार्क कर सके, उसके बाद ही आप आपका जो पीएफ का अमाउंट है वो विड्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है सर मैं 30 अप्रैल 2012 में राज्य परिवहन सेवा से निवृत्त हो गया, मेरा अंतिम बेसिक पे 1850 था, इसके मुताबिक मुझे कितनी पेंशन मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने इनको रिप्लाई भी किया है कि मैं चेक करके इनको बताता हूँ। उसके लिए ये जो पेंशन का कैलकुलेशन के ऊपर जो है वो मैंने वीडियो भी बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं, और आपकी पेंशन जो है वो एक टेंटेटिव तरीके से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके में मैंने जो डिटेल फार्मूला है किस तरह से जो पेंशन है वो कैलकुलेट हो सकती है वो भी यहाँ पे बताया है। तो आप थोड़ा वेट कीजिए, आपकी जो पेंशन से रिलेटेड क्यूरी है उसके ऊपर मैं जल्दी ही आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो
तो यहाँ पे इन्होंने एक सवाल पूछा है, दिनेश गर्ग का ये सवाल है। सर मैंने पीएफ अमाउंट पुराने अकाउंट से नए अकाउंट में ट्रांसफर करवाया है, लेकिन एडवांस 54 के लिए ऑनलाइन क्लेम किया था तो सिर्फ 1100 रुपये ही आया, जबकि अकाउंट में मेरा 12% शेयर में 54,000 रुपीज है, ऐसा क्यों हुआ सर? तो एक्चुअली ये जो डिटेल है इसके बारे में मैं तो कुछ बता नहीं सकता, पर पीएफ विड्रॉल के जो रूल्स है उसके मुताबिक ही आप जो है वो विड्रॉल कर सकते हैं। आपका जो एडवांस क्लेम है उसके भी रूल है, उसके मुताबिक भी जो है वो आप यहाँ पे जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा 36 मंथ का जो आपका होता है तो उसके ऊपर जो है वो आपको विड्रॉल करने को मिलता है। तो यहाँ पे मिस्टर सुनील कुमार पूछ रहे हैं कि ऑफलाइन कैसे होगा, 2015 से 2010 से 2015 तक का है फॉर्म 13 या फिर 15। तो ऑफलाइन अगर आपको अप्लाई करना है तो फुल एंड फाइनल विड्रॉल के लिए मैंने इनको बताया भी था कि 19 और 10 सी जो है वो हमें जो है वो विड्रॉल के लिए फुल करना पड़ता है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि नहीं हुआ ऑलरेडी ट्राई, क्यों नहीं हुआ कि इसका रीजन क्या है? तो ये जो आपको जो है वो आपके पीएफ ऑफिस से जो है वो पता चल सकता है, इसके ऊपर जो है मैं ज्यादा कुछ ऐसी बात नहीं कर सकता। तो चलिए अभी अगला जो सवाल है वो है मिस्टर अनबॉक्सिंग विद अजय का। तो ये पूछ रहे कि मोबाइल नंबर जो है वो अपडेट कैसे करें कोटक बैंक में, प्लीज सर बताओ। तो कोटक बैंक में अगर आपको आपका मोबाइल नंबर जो है वो लिंक करवाना है तो आपको जो बैंक जाना होगा, आपका अकाउंट नंबर बताना होगा और आपका जो मोबाइल नंबर है वो वहाँ पे बताना होगा। फिर जो बैंक के एग्जीक्यूटिव होते हैं वो आपको जो आपका बैंक अकाउंट जो है वो लिंक करवा के देंगे, या फिर आप जो है वो एटीएम से भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी ये जो अगला सवाल है वो है किशोर जेना का। तो ये बता रहे हैं कि ऑलरेडी कंपनी क्लोज है, क्या करेगा सर, पीएफ अकाउंट नेम गलत है। तो एक्चुअली कंपनी अगर बंद हो गई है तो आप जो है वो ज्वाइंट डिक्लेरेशन का फॉर्म फिल कीजिए, आपको विड्रॉल करना है तो विड्रॉल का फॉर्म जो है वो फिल कीजिए, और उसके ऊपर जो है वो किसी गैजेटेड ऑफिसर का जो है वो साइन और स्टैम्प ले लीजिए, क्योंकि आपकी कंपनी जो है वो बंद हो गई है, जो कंपनी के ऑथराइज पर्सन है वो अभी है ही नहीं, तो आपको जो है वो किसी गैजेटेड ऑफिसर का एक जो है वो साइन उस फॉर्म पर जो है वो लेना पड़ेगा, और साथ में एक लेटर भी लिखना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा हैंड रिटन। तो आप जो है वो आपका जो पीएफ ऑफिस होता है उसमें ये सारी चीजें जो है वो अटैच करके जो है वो एक साथ पीएफ ऑफिस में जमा कर दे, ताकि आपकी जो करेक्शन है वो हो सके, और अगर आपको विड्रॉल करना है तो वो भी हो सके। उसके साथ जो है आप आधार कार्ड, बैंक डिटेल, पैन कार्ड जो है वो अटैच कर दे। तो यहाँ पे जो पेंशनर्स का पीपीओ नंबर होता है जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, तो ये पूछ रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का भी निकलेगा। तो एक्चुअली ये जो पोर्टल है तो ईपीएफओ के जो पेंशनर है उनके लिए होता है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का जो है वो ऑप्शन नहीं है। आप जो गवर्नमेंट से जो पेंशन मिलती है तो उसके लिए एक अलग पेंशनर का पोर्टल है, वहां पे जो है आप आपका डिटेल इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। तो चलिए अभी अगला ये जो सवाल है वो है मिस्टर कुलदीप का। तो ये पूछ रहे हैं कि सर जी मैंने ऑनलाइन क्लेम किया था तो मेरा बैंक डिटेल मिसमैच होने के कारण मेरा अकाउंट पैसा नहीं आया, लेकिन स्टेटस में सेटल बट रिटर्न बता रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? अगर ऐसा अगर आपका स्टेटस आ रहा है तो डेफिनेटली आपका जो अमाउंट है वो आपका जो क्लेम है वो सेटल होने के बाद रिटर्न हो गया है, आपका जो पुराना पीएफ का अकाउंट होता है उसमें। तो इसके लिए आपको जो आपके पीएफ ऑफिस से जो है वो कांटेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है वो आपको रीऑथोराइजेशन फॉर्म भी वहां पे भरना पड़ेगा, ताकि आपकी जो सेटल्ड अमाउंट है वो आपके बैंक में वापिस आ सके। तो इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो भी बना के रखा है जिसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है कि अगर आपका अमाउंट आपके अकाउंट में नहीं आता है तो आपको क्या करना है, कैसे आपको जो है वो रीऑथोराइजेशन का फॉर्म जो है वो सबमिट करना है। तो यहाँ पे ये जो अगला सवाल है ये इन्होंने पूछा है ईपीएफओ एड पैन कार्ड वीडियो नहीं हो। तो यहाँ पे जो है मुझे इनका क्लियर सवाल जो है वो नहीं हुआ है, तो इसके ऊपर जो है हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगला जो कमेंट है वो है मिस्टर उदय शाह का। तो ये पूछ रहे मैंने 1980 में जेके पेपर में ज्वाइन किया था, फिर मैं 2013 में जो है वो रिटायर हुआ, मुझे 2011 से 1825 पेंशन मिलती थी, 2014 से 2011 मिलती है, अब मैं क्या करूं जिससे मेरी जो पेंशन है वो बढ़ सके? तो एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है इनका पेंशन बढ़ाने से, तो इसके लिए तो आपको जो है आपके पीएफ ऑफिस से ही बात करनी पड़ेगी, इसके ऊपर जो है मैं ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करता। इन्होंने इनका मोबाइल नंबर भी यहाँ पे दिया है, तो इसके ऊपर जो है हम बात कर लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत सारे जो सवाल है वो आज हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। अगर कोई सवाल छूट गए तो मैंने बताया कि आप जो इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ मेरे अगले वीडियोस में। तब तक के लिए अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद जो बटन है वो भी आप प्रेस कीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोस है सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।